How are you? I hope you will be fine. In today's lecture, we will see chapter 3, pair of linear equation in two variables ka, exercise 3.3 ka, fourth question. Let's solve the fourth question. Kya hai fourth question? The taxi charges in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. गेटिंग देखो क्वेश्चन पहले समझ लो. अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. मींस एक फिक्स्ड चार्ज है उसके बाद द अकॉर्डिंग टू योर डिस्टेंस कवर्ड अलग चार्ज क्या किया जाएगा. नेक्स्ट देखो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155. तो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. तो देखो आपको क्या चाहिए, फिक्स चार्ज चाहिए और द चार्ज पर किलोमीटर, ये दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. थर्ड अननोन क्या है, अगर वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको टोटल चार्ज कितना पे करना पड़ेगा. चलो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. लेट फिक्स चार्ज इज एक्स एंड द चार्ज पर किलोमीटर इज वन. देखो दो चार्जेस, एक फिक्स चार्ज है, आप टैक्सी बुक कर रहे हो तो एक फिक्स चार्ज देना होगा, उसको कंसीडर किया मैंने एक्स, और पर किलोमीटर जो चार्ज होगा वो होगा वाई. तो हर बार फिक्स चार्ज से पर किलोमीटर चार्ज क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा. तो देखो फर्स्ट कंडीशन है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द टोटल चार्ज पेड इज 105. तो मैं फिक्स चार्ज पेड करूंगा एक्स प्लस 10 किलोमीटर ऑफ वाई इज इक्वल्स टू कितने रुपीज पे किया आपने 105. मार्क एज अ इक्वेशन फर्स्ट. नेक्स्ट उन्होंने दिया है कि फॉर द जर्नी ऑफ अब 15 किलोमीटर और टोटल पे कितना है 155. तो फिक्स चार्ज तो हर बार सेम रहेगा एक्स, अब डिस्टेंस कितना कवर कर रहा हो 15 किलोमीटर मींस 15 वाई इज इक्वल टू 155. मार्क एज अ इक्वेशन सेकंड. चलो तो सॉल्व इक्वेशन वन एंड टू. तो आपको इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या करने हैं, सॉल्व करने. चलो तो अब मैं क्या करूंगा, कौन से एक इक्वेशन से, अगर मैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे एक्स इज इक्वल टू 105 जो 10y था उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 10y उधर जाके हो जाएगा माइनस 10y. मार्क एज इक्वेशन थर्ड. तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू. तो पुट इन इक्वेशन सेकंड. अगर मैं इक्वेशन टू में पुट करता हूं तो एक्स की जगह पे आएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155. तो देखो ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस 10y प्लस 15y कितना बचेगा प्लस 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105. तो ये 5y इज इक्वल टू ये बचेगा 5 माइनस 5 जीरो, 50 माइनस 10 मतलब 50. तो 5 5 5 10 50 तो मुझे मिला y इज इक्वल टू 10. और पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट x, तो मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10. तो क्या आएगा आंसर, x इज इक्वल टू तो 105 10 माइनस 10 सॉरी 10 इंटू 10 100. तो यहां पे आएगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 तो आ जाएगा 5. तो आपको फाइनल आंसर लिखना है द चार्ज द फिक्स चार्ज इज 5 रुपीज एंड द चार्ज पर किलोमीटर इज 10 रुपीज. और नेक्स्ट क्या है, हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. तो हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे
फॉर ट्रेवल इन द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो आप देखो पर्सन हैज टू पे कितना इज इक्वल्स टू कितना फिक्स चार्ज एक्स प्लस 25 वाई। गेटिंग तो वैल्यू पुट करो एक्स इज 5 रुपीज प्लस 25 इंटू वाई कितना है 10। तो ये बन जाएगा 5 प्लस 25 10 250। तो मुझे आएगा 250 प्लस 5 तो आंसर बन जाएगा 255 रुपीज। गेटिंग तो पर्सन हैज टू पे फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर इज 255 रुपीज। गेटिंग लेट्स सॉल्व द फिफ्थ क्वेश्चन। क्या है फिफ्थ क्वेश्चन? द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर एंड इफ इज 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/11। लेट सॉल्यूशन लेट द फ्रैक्शन लेट द फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई मीन्स द न्यूमरेटर इज एक्स एंड डिनोमिनेटर इज वाई। चलो लेट सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो फर्स्ट कंडीशन द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ वी एड 2 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। चलो अगर मैंने 2 ऐड किए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मीन्स एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय वाई प्लस 2 द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ये फर्स्ट कंडीशन। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये बन जाएगा 11 इन ब्रैकेट एक्स प्लस 2 या फिर 9 इन ब्रैकेट वाई प्लस 2। तो 11 से मल्टीप्लाई करो ये बन जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। तो आंसर आएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 20। ये प्लस 22 उधर जाके माइनस 22 प्लस 9y इधर आके हो जाएगा माइनस 9y। तो इक्वेशन बनेगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4 मार्क एज इक्वेशन फर्स्ट। चलो क्या है सेकंड कंडीशन? ऑफ सेकंड कंडीशन देखो एंड द डिनोमिनेटर इफ 3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर आपने 3 ऐड किया मींस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 इट बिकम्स 5/6। सेम आपको सॉल्व करना है 6 से मल्टीप्लाई करो 6 इन ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 इन ब्रैकेट y प्लस 3। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर किया तो 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल्स टू 5y 5 3 जा y को इधर लेके आ नहीं तो फिर 18 को उधर लेके जाओ 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। तो इक्वेशन बनेगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3 मार्क एज इक्वेशन सेकंड। तो आपको फिर x और इधर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो सेकंड इक्वेशन में पुट करनी। चलो तो मैं यहाँ पे x निकाल लेता हूं तो x मिलेगा 6x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y माइनस 5y उधर जाके हो जाएगा प्लस 5y एंड x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 6 मार्क एज इक्वेशन थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आपको क्या करना है इक्वेशन x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्या करनी है पुट करनी। चलो करो फिर 11 x की कीमत क्या है माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस y क्या है 9y इज इक्वल टू माइनस 4। चलो तो सॉल्व करो यहाँ पे ये हो जाएगा 11 3 जा माइनस 33 प्लस 11 5 जा बिकम 55y डिवाइडेड बाय 6 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। तो यह आ जाएगा माइनस 33 प्लस 55y माइनस 6 9 दा हो जाएगा माइनस 54y टोटल डिवाइडेड बाय 6।
इज इक्वल्स टू माइनस फोर। तो लास्ट माइनस 33 प्लस 55 माइनस 54 बनेगा वाई इज इक्वल्स टू फोर, ये सिक्स डिवाइड था, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, फोर मल्टीप्लाई बाय। तो लास्ट स्टेप ये y इज इक्वल टू माइनस फोर इंटू सिक्स, ये बन जाएगा माइनस 24 माइनस 33 उधर जाके हो जाएगा प्लस 33। तो y मिलेगा मुझे माइनस 24 प्लस 33 मीन्स y इज इक्वल टू प्लस 9। पुट द वैल्यू ऑफ y विच इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3। पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3। तो क्या मिलेगा हमें इक्वेशन 3 था, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6। तो माइनस 3 प्लस y की वैल्यू पुट करेंगे हम 9 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको मैं यही इक्वेशन करता हूँ, माइनस 3 5 9 जा 45 डिवाइडेड बाय 6। तो क्या हो जाएगा माइनस 3 प्लस 45 तो ये बन जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 1 जा 6 6 7 x is equal to 7, आंसर मिल गया x is equal to 7। देखो आपका न्यूमरेटर मिला 7, डिनोमिनेटर मिला 9, then find applicable the therefore the required fraction is 7/9। Getting, चलो let's solve the question number 6। तो क्या है 5 year hence means 5 year after the age of Jacob will be 3 times that of his son, and second condition is 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? We have to calculate the age of Jacob and his son. Chalo, let's solve the question. Chalo, let Jacob's age is x and his son is y. तो जैकब का एज हमने कंसीडर किया कितना x and his son is y। देखो 5 साल कितना, लेकिन ये लेट जैकब प्रेजेंट एज इज x एंड his son's प्रेजेंट एज इज y। 5 साल बाद hence means after, तो 5 साल बाद तो जैकब का एज क्या बन जाएगा x plus 5 is will be 3 times of his son's age, 3 times of his son कितना हो जाएगा y plus 5। Getting, ये होगा first condition। तो इसको पहले मैं solve कर लेता हूँ, x plus 5 is equals to 3y plus 15। तो ये बन जाएगा x minus 3y is equals to plus 15 minus 5। इक्वेशन बनेगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो इसको मैं मार्क करूंगा, मार्क एज इक्वेशन फर्स्ट। चलो लेट्स सॉल्व दिस सेकंड कंडीशन, 5 इयर्स अगो मींस बिफोर 5 इयर्स। तो मैं लूंगा x माइनस 5 इज इक्वल टू जैकब्स एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। Getting? तो इसको भी सॉल्व करेंगे हम, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y, तो 7 5 बन जाएगा 30। तो x माइनस 7y करो, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो इसको हम मार्क करेंगे, मार्क एज इक्वेशन। तो इससे मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पे मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y, मार्क एज इक्वेशन थर्ड। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मुझे क्या मिलेगा x, x ये माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है 10। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो मिलेगा क्या माइनस 30 उधर जाके प्लस 30, 7y माइनस 3y इज इट कम्स 4।
4y is equals to 10 plus 30. तो ये बन जाएगा 4y is equals to 4. तो 4 1 जा 4, 4 4 जा, sorry 4 1 4 10 जा 40. तो मुझे मिल गया y is equals to 10. Put in equation 3rd, तो मुझे मिलेगा x is equals to minus 30 plus 7, y की जगह पे मैं put करूंगा कितना 10, minus 30 plus 7, तो x मिलेगा मुझे minus 30 plus 7, 10 जा कितना होगा 7, तो x is equals to कितना होगा 40, ये मिल गया आपके आंसर. आप लास्ट में लिखोगे Jacob's present age is 40 years and his son's present age is 10 years. Getting? Thank you. Have a good day.